नेवी को एयर फोर्स को मिलती है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को भी मिलनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान भी अभी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ड्यूटी करती है, सीआरपी ड्यूटी करती है। अभी जब भी ड्यूटी बीएसएफ कर रही सीआरपी कर रही है, नाम होता है जी फौज के जवान। देखो तब बोलते हैं कि फौज के जवान है, लोगों को पता ही नहीं है, हिंदुस्तान की जनता को पता ही नहीं है बीएसएफ क्या ड्यूटी करती है, सीआरपी क्या ड्यूटी करती है, आईटीबीपी क्या ड्यूटी करती है। इतने पहाड़ों में रह के वो समझते हैं कि शायद अकेली आर्मी ही है जो हिंदुस्तान को बचाती है। नहीं, आर्मी बैरकों में रहती है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स 24 आवर्स पूरा साल बॉर्डर के ऊपर धक्के खाते हैं। उनका चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो वो वहाँ ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो शहीद हो जाता है उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, उसके सम्मान में देने वाला कोई नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ गवर्नमेंट बहुत अन्याय कर रही है। आज हम यहाँ कतर होके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह संदेश देना चाहते हैं, ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो उनकी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सुविधा आर्मी को नेवी को एयरफोर्स को दी जाती है। वरना आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के हम अपनी गवर्नमेंट को वोट नहीं डालेंगे, हम अगेंस्ट में वोट डालेंगे। आज हम यहाँ से एक प्रण करके जाएंगे कि अगर हमारे यहाँ मांगे 2024 से पहले नहीं बनेगी तो हम गवर्नमेंट को बरखिलाफ वोट डालेंगे। ये संदेश हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को